बड़म्बा की राजकुमारी कल्याणी चतुर्मणि आज से रोडांग के बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र ब्रह्मवर राय की अर्धांगिनी हुई। भगवान जगन्नाथ आप दोनों पर कृपालु रहें। विवाह संपन्न हुआ। बड़म्बा पर कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया है। किसी को भी बड़म्बा नरेश राजकुमारी कल्याणी और युवराज मोहन कहाँ है वो पता नहीं, और ना ही जगबंधु का पता चला है। दादा का कुछ पता नहीं चला है मतलब? वो तो राजकुमारी कल्याणी के साथ गए थे ना। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप दोनों को। राजकुमार मोहन कोंड में सुरक्षित है। सुना है कि फ्लेचर बुरी तरह से जख्मी हो चुका है, किंतु उसका यह अर्थ नहीं कि संकट टल चुका है। हमें महाराज को जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना होगा। नहीं, बाबा कहीं नहीं जाएंगे, मैं बाबा के पास ही रहूंगी। मैं सेनापति कालंदी के पास से सहमत हूं। अंग्रेज चाहे जितना भी जख्मी क्यों ना हो, शांत नहीं बैठता। इसकी संभावना बहुत कम है। मुझे लगता है कि महाराज को इस वक्त उपचार और आराम दोनों की जरूरत है। उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए, और नीति के हिसाब से यही ठीक होगा। यहां पर महाराज दोनों एक साथ मारे। पक्षी बड़म्बा और रोडांग की संयुक्त सेना के अध्यक्ष हैं। इनके निर्णय, इनकी योजना को हमें स्वीकार करना होगा। विदाई का सुमुहूर्त हो गया महाराज। एक पिता और बेटी के रिश्ते का धागा बहुत मजबूत होता है, उसे दोरियां भी तोड़ नहीं सकती। तुम बड़म्बा की बेटी हो, बड़म्बा की महिमा हो, बड़म्बा के संस्कारों और मर्यादा का प्रतीक हो। साहस, सच्चाई और धैर्य तुम्हारे आभूषण। तुम्हें कभी लगे कि तुम रास्ता भटक गई हो, तब ने जीवन साथी की मदद लेने में कोई संकोच मत कर। संबंधों में संवाद अच्छा हो तो विवाद भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता। विदा 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 मुझको मत करो बाबा, जुदा 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 खुद से मत करो बाबा। विदा 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 मुझको मत करो बाबा, जुदा 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 खुद से मत करो बाबा। एक अर्ज सुनो बेटी की, तुम्हारे बिन कैसे जीऊंगी।
वचन देता हूं आपको कि आपके बाबा को कुछ नहीं होने दूंगा। विदा 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 मुझको मत करो बाबा, जुदा 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 खुद से मत करो बाबा। क्या बात है वैद्य जी? आप सबको इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं समझी नहीं, क्या हुआ है राधा को? नब्ज बता रही हैं कि एक साथ दो जान धड़क रही हैं। राधा मनी जी उम्मीद से हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? जी। लेकिन आपने तो कहा था कि राधा कभी मां नहीं बन पाएगी। जगन्नाथ प्रभु जी की इच्छा के आगे वैद्य की विद्या क्या है? तो ये तो बहुत शुभ समाचार है जी। शुभ समाचार है, लेकिन बार बार की दुर्घटना से बचेदानी दुर्बल पड़ गई है। राधा मनी जी के बहुत मानसिक तनाव में रहने के कारण मां और गर्भ दोनों पर बहुत खतरा है इस बार। कोई चिंता अगर उनके सिर पर सवार हुई या शारीरिक तनाव बढ़ा तो अच्छा नहीं होगा। असर मां पर भी पड़ेगा और घर पर भी। क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं, सब अच्छा है सब। बक्सी जी आ गए? नहीं, वो नहीं आया, लेकिन किसी और के आने की खबर मिली है। जानती हो वैची ने क्या कहा? राधा तुम मां बनने वाली हो। मां? मैं मां? वैद्य कह रहे थे ये जगन्नाथ प्रभु की कृपा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हें अपना ज्यादा ध्यान रखना होगा, खुश रहना होगा, अच्छा खाना होगा, और ये सब उपवास रखती हो ना, वो सब छोड़ने होंगे, समझी? नहीं तो मैं जगबंधु को बता दूंगी, तुम उसी की बात सुनती हो ना? माँ उन्हें यहाँ होना चाहिए था, मेरे पास होना चाहिए था। उनके ना लौटने पर परेशान थी मैं, लेकिन अब डर नहीं लग रहा। अब बस बेसब्री हो रही कि कैसे वो आए और उनके चेहरे पर इस बात की खुशी मैं देखूं। अब खबर अच्छी आई है ना, तो वो भी आ जाएगा, पहुंच, और सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। Thank you.
राधा, नाच सुना तुमने? इसका मतलब जगबंधु को वापस लौटते हुए देखा गया है। वो ठीक है, वो सुरक्षित है। माँ, उनके आने का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। गदाधर, तिलोत्तमा अम्मा, क्या हुआ? जगन्नाथ प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली। पूरे रोड़न को सजा दो। दादा के लौट के आने की खुशी में वहां? हाँ, उसके आने की खुशी में भी, और इस बात की खुशी में कि इस घर में एक और मेहमान आने वाला है। बक्सी कुल में फिर से एक बार नई उम्मीद जागी है, बच्चे की उम्मीद। राधा मनी मां बनने वाली है। जय जगन्नाथ। ओपा, बधाई हो ओपा, बहुत बहुत बधाई। ये तो बहुत खुशी की बात है माँ। भाभी, बहुत बहुत बधाई हो। दादा सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। हाँ भाभी, बधाई हो, ये तो चमत्कार हो गया ना। आप कितनी भाग्यशाली है। मुझे तो उस क्षण का इंतजार है कि जगबंधु वापस आएगा। मैं उसका स्वागत करूंगी और उसे ये शुभ समाचार दूंगी। माँ, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं उनका स्वागत कर सकती हूँ? ये खुशखबरी मैं उन्हें देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो ये बात मुझसे सुने। आपको जो भी पसंद हो ले लीजिए। राधा, तुमने अपने विवाह का जोड़ा दे दिया, कोई और जोड़ा दे देती। ठीक हो चिनु माँ, अच्छा तो लग रहा है राजकुमारी कल्याणी। उस दिन जब मैंने गलती से राधा दीदी के शादी का जोड़ा पहना था, तब कहाँ सोचा था कि उसी घर में मेरा विवाह हो जाएगा एक दिन। सुनिए, सुनिए, आपके लिए ये बात घर पर बताना शायद आसान नहीं होगा। क्या कहेंगे आप राधा दीदी से?
आपकी मुश्किलें आपकी दुविधा समझ सकती हूँ, मैं जानती हूँ आपने किन परिस्थितियों में ये विवाह करने का फैसला लिया, किन कारणों की वजह से लिया था। अगर आप चाहे तो मैं राधा दीदी से बात करती हूँ, उन्हें बता सकती हूँ कि क्या हुआ। दो दो बार गर्भनाश, एक बार एक बच्चा जन्म हो जाने के बाद खो देना, सालों सालों तक कोई उम्मीद नहीं, इतना कुछ हो जाने के बाद फिर से उम्मीद। उत्सव तो होगा ही ना इस घर में, लोग आएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपके दादा और भाभी को आशीर्वाद देंगे, कहेंगे कि भगवान जगन्नाथ का चमत्कार है ये। लेकिन इन सब में ना एक सच ये भी है, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि हमें बच्चे के लिए सोचना चाहिए, लेकिन आज तक हमने एक भी उम्मीद नहीं दिखाई है। लेकिन मैं अपने आप को दोष क्यों दे रही हूँ? हमारा बच्चा ना होने का कारण ना आप हैं। लेकिन आपको क्या, जाइए जाइए, खुशियां मनाइए, पूरे रोडंग को सजाइए। ये बात बात पर कमरा छोड़ जाने की आदत नहीं होती ना, तो बात आज कुछ और ही होती। विश्वास दिलाया था, विश्वास दिलाया था कि राधा भाभी कभी मां नहीं बन सकती, तो फिर ये कैसे हुआ? छोड़ो, जानती हो उसका मतलब? इसका मतलब जानती हो? इतने सालों से हमने जो भी सोच के रखा था, जो भी हमारी योजना थी, सब पानी में जाएगी, सब तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम असफल रही हो अपनी योजना में। असफल ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे नहीं लगता मेरी तरफ से कोई चूक हुई है। चूक तो तुम्हीं से हुई है, पता लगाओ कहाँ और कैसे। राधा से जो भी कहना है मैं कहूंगा, ये राधा मेरे बीच की बात है, किसी को भी कोई गवाही या सफाई देने की जरूरत नहीं है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।